हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार से आज मैं थर्मल लाइन के ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ। थर्मल लाइन की वजह से जो जो प्रॉब्लम आता है, जैसे कि टेम्परेचर टू लो और हाई, ठीक है, ये जो इरर किस लिए आते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के साथ में। तो इसमें क्या है, मैं डायग्राम के अनुसार से और ड्रॉ करके आपको समझाने का जो कोशिश किया हूँ, जितना भी मेरे से बन पाया उतना समझाने का मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो के अंदर में। प्लस होता क्या है, मार्केट में अभी की डेट में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास में ए टू जेड टूल तो है, डायग्राम टूल भी है, हर एक टूल है। टूल रहने के बावजूद भी वो सही ढंग से ट्रेसिंग नहीं कर पाते, डायग्राम कैसे ट्रेस करना है, कैसे फाइंड आउट करना है उसमें से, ठीक है, ये एक फंडा। दूसरा, ट्रेसिंग करने तो आ रहा है, लेकिन ट्रेसिंग करने आने के बाद भी मान जाए कोई लाइन है, तो वो लाइन के अंदर में उसका फीलिंग समझना, जैसे कि कोई भी एक लाइन है, जैसे कि मैं आपको BSI का समझाया था कि BSI लाइन का एक्चुअली वर्क क्या है, वो कैसे टाइप के वर्क कर रहा है, कितना टाइप उस कितना टाइम उसमें इनपुट वोल्टेज आ रहा है, कितना टाइम में वो कैसे काम कर रहा है, इसको मैं उसके फीलिंग से समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो कई सारे ऐसे लड़के भी हैं जिनके पास में सब चीज रहते हुए भी उसको ओनली ट्रेसिंग भी नहीं कर पाते, ट्रेसिंग कर पाते हैं तो उसका फीलिंग नहीं समझ पाते कि वो लाइन के एक्चुअल काम है। जैसे कि हार्डवेयर टूल, हार्डवेयर सॉल्यूशन जो दिया रहता है हमारे टूल के अंदर में, तो उसमें क्या है, उसमें जब आप लोग काम करते हो तो ओनली यहाँ से लेकर के वहां तक लाइन दिया है, तो उसमें ओनली आप बजर बजा करके ही देखेंगे। बजर बजाने के बाद में बजर अगर बज रहा है तो ओके है, और बजर नहीं बज रहा है तो वहां से वहां जम्फर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस लाइन में काम क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइप के अगर जो अभी बता रहा हूँ ये टाइप का यदि आपको नॉलेज नहीं है और आपका क्लास लेना चाहते हैं, तो बेहिचक ये नंबर जो स्क्रीन में लिखा हुआ है, यहाँ आप कॉल करके आप मेरे से पूरा क्लास का डिटेल ले सकते हैं। मेरे जगह में पूरे एंड्राइड का कम्प्लीटली चीफ लेवल काम सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम ना करते हुए उसको आगे बढ़ा करके हम लोग BSI थर्मल लाइन को हम क्लियर करते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डायग्राम में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा, मेरे तरफ से जितना बनेगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो हमको बैटरी कनेक्टर में जाना है। जिस दिन मैं ID के जैसे क्लियर किया था वैसे टाइप की इसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से। तो सबसे पहले हम इस जेक को पकड़ेंगे, ठीक है। जेक मतलब यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर है वो है J2300, J2300, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको J2300 को हम सर्चिंग करेंगे, ठीक है। हम डायग्राम के अंदर में हमने इसको कॉपी किया और हम जाएंगे सर्किट के अंदर में, ठीक है। तो सर्किट के अंदर में जब जाएंगे उसके बाद में हमारा ये है बैटरी कनेक्टर। तो हमने उस दिन क्या है, हम बैटरी ID कनेक्टर को पकड़े थे, कनेक्टर में से बैटरी ID लाइन को पकड़े थे। आज क्या है, हम 2 और 7 नंबर, उस दिन हम लोग लिए थे 3 और 6 नंबर, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर के हम 2 और 7 नंबर में हमारा टेम्परेचर का लाइन है, जिसको थर्मल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेंट के माध्यम से इसको आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कितना कितना कंपोनेंट लगा है और कैसे टाइप का लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ कनेक्टर, ठीक है जी। और कनेक्टर से एक लाइन निकालता हूँ, ठीक, ये लाइन है हमारा थर्मल का। अब इसमें ये थर्मल का लाइन दिया हुआ है, ये तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा पड़ा है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया है जो है C2304, लेकिन ये क्या किया है, NC किया है, नॉट कनेक्शन, NC, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर तो दिया नहीं है, तो उसको हम वहां पर नहीं दे रहे हैं, अगर बोलोगे देने के लिए भी तो पर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए, अब इसको मैं दे देता हूँ देने के लिए, वैसा ये रहा हमारा कैपेसिटर, लेकिन बोर्ड में NC दिया हुआ है, ठीक है जी। तो NC उसमें यूज नहीं किया गया है, वहां पर अगर आप कंपोनेंट ढूंढोगे तो कंपोनेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा,
ठीक है सर। ये हमने बना दिया इसका कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के बाद में यहाँ पर हमारा इस डायग्राम में फिर चले आए, तो यहाँ पर देखिए उसी लाइन में एक रजिस्टर लगाया गया है जो कंपोनेंट नाम के अनुसार से हमारा R2300 और इसका वैल्यू है 10 किलो ओम्स। ठीक है, 10 किलो ओम्स का यहाँ पर एक रजिस्टर यूज किया गया है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर। ये हमारा 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है। यहां पर मैं लिख देता हूँ आर, ठीक है, और ये इसका वैल्यू है 10 के। ठीक है सर। अब इसके बाद में इस डायग्राम में देखिए इस रजिस्टर से दो लाइन निकला है, एक तो अंदर से एक बाहर से। ठीक है, तो हम अंदर से सबसे पहले हम ले लेते हैं इस रजिस्टर के, यहां से एक लाइन निकलेगा हमारा, यहां से एक लाइन निकला, और ये जो एक लाइन निकला हुआ है इसको हम आगे फिर से ड्रॉ करेंगे, और यहां से एक लाइन निकला है, तो हमको कितने लाइन देखने के लिए मिला, दो लाइन। यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये जो रजिस्टर है रजिस्टर के ऊपर से एक लाइन गया है जिसको VREF वोल्टेज रिफरेंस बेड थर्मल, ठीक है, और एक लाइन हमारा इस रजिस्टर के नीचे हिस्से से गया है वो लिखा हुआ है बेड थर्मल। ठीक है जी, तो ये दो लाइन अलग अलग बन रहे हैं, यहां से एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के ऊपर से अलग लाइन जा रहा है, नीचे से अलग लाइन जा रहा है, तो हम इस रजिस्टर के जो पहले हिस्से है इससे जब आगे जाएंगे यहाँ पर एक डायोड का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसका नंबर है D2301, तो यहाँ पर हम लोग एक डायोड का सिंबल बना देते हैं। और कौन से लाइन में है यहाँ भी देख लो, रजिस्टर के नीचे सिरे में है। ठीक है, हमारा नीचे सिरे में बनेगा एक डायोड, तो हम ये सिरा है हमारा नीचे सिरा, मतलब ये सिरे के साथ में एक डायोड का जिक्र किया गया है जिसको हम इसके अनुसार से हम दे देते हैं। ठीक है, इसके अनुसार से थोड़ा गलत लग रहा है, मैं यहाँ पर यही दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक लाइन वेव बना देता हूँ, यहाँ पर डी लिख देता हूँ, आपको उतना में कंफर्म समझ आ जाएगा, और यहाँ से वो ये दिया है ग्राउंड। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। ठीक है जी, ये हमारा है डायोड। अब डायोड के बाद देखिए डायोड के जस्ट बाद में यहाँ पर बेड थर्मल का एक लाइन है और वोल्टेज रिफरेंस बेड थर्मल का लाइन है, तो सबसे पहले मैं वोल्टेज रिफरेंस बेड थर्मल लाइन को पकड़ लेता हूँ, ऊपर वाले लाइन को। ठीक है, इसको हम सबसे पहले सर्च करेंगे इसके आगे ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको इंटर किया, डायरेक्ट इंटर किया तो ये दिखा रहा है सीधा हमारा PMI के अंदर में, PMI 8952। ठीक है, यहां पर आ जाइए, ये हमारा गया 85 नंबर वाले पिन से, आर बायस लिखा हुआ है जो डायरेक्ट गया है PMI के अंदर में। ठीक है, तो हम उस वहां पर इसको फिर से लाइन दे देते हैं, हम एक यहाँ पर एक IC बना देते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा है IC, इस IC का नाम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं PMI 8953। ठीक है जी, अब ये 8953 के अंदर में हम सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर हिस्से को हम पकड़ के चले थे, वो कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला एक हिस्सा है, अब बचा नीचे हिस्सा जो हमारा डायोड के साथ रहेगा। ठीक है, तो उसी जगह में हम फिर से रिटर्न चले जाते हैं। ठीक, यहां पर एक रजिस्टर का जिक्र किया गया है लेकिन वो है NC, तो हम इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर है और सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पर लाइन खत्म किया है, तो ये लाइन आगे हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से आगे करके इंटर करते हैं तो ये लाइन खत्म हो जाता है। अब फिर से उसी जगह में हम आ गए, हम देखिए ये ऊपर वाले लाइन को पकड़े थे। ठीक है, तो ऊपर वाले लाइन को हम नाम दे देते हैं, ये लाइन का नाम हमारा पड़ जाएगा ये लाइन का नाम है वोल्टेज रिफरेंस बेड थर्मल। ठीक है सर, VREF बेड थर्मल। अब ये लाइन हो गया,
अब हमको पकड़ना है नीचे लाइन, तो नीचे लाइन को कैसे पकड़ेंगे, हम इसको कर देते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट करके फिर से हमको लेना है सर्चिंग में, ठीक है। तो ये आगे निकलेगा कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इसी को लिया, ये तो गलत है क्योंकि हम तो बेट थर्मल लिए थे, तो वे वी रिफरेंस का जो लाइन है इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जो भी मतलब रहेगा बेट थर्मल के ही लाइन से मतलब रहेगा। हम फिर से इंटर किए, देखिए बेट थर्मल में यहाँ पर एक यूज किया गया है टीपी का, ठीक है। और टीपी कितना है, टीपी 2412। तो हम इसमें जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है टीपी 2412। जब बोर्ड के अंदर में ये वाला देखेंगे तो हमको समझ आ जाना चाहिए कि ये टीपी तो रजिस्टर के पहले हिस्से से गया है, शुरू हिस्से से, क्योंकि हम लोग सेकेंड हिस्से से जो था वो हम आईसी तक पहुंचा चुके हैं। तो जो पहला हिस्सा है यहाँ पर, फिर से मैं इसको आगे लेकर के निकलता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ एक टीपी, ठीक है जी, ये लिख देता हूँ, ये दे देता हूँ मैं टीपी, और इस लाइन को मैं इसको इससे जोड़ देता हूँ, ये रहा हमारा टीपी, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टीपी, ठीक। अब मिला हमको टीपी, ठीक। टीपी के जस्ट अब फिर से आगे निकलना है हमको, क्योंकि ये कहां तक गए हमको क्लियर करना है। फिर से आगे मैं क्लिक किया तो ये उसी लाइन को पकड़ लिया, वी आर ई एफ को, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि उसके आगे में बेड थर्मल लिखा हुआ है, तो उसको ये कैचिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो लिख करके हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो फिर से मैं किया तो ये डायरेक्ट हमारा कहाँ गया, बेड थर्मल का लाइन, ये जो सर्चिंग किए हैं ये वो वाला लाइन है, और यहाँ पर लिखा भी है पुल अप वैल्यू द सेम एस बैटरी एनटीसी नॉर्मली 10K, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पीएमआई 8952 में गया, पिन नंबर कितने में गया, ये 97। तो डायरेक्ट हम आईसी के अंदर में उसको इनपुट कराते हैं। तो हम यहां से एक लाइन फिर से मैं बना देता हूँ और लाइन बना करके सीधा देता हूँ आईसी को, ठीक है। तो ये है इसका वनली थर्मल का लाइन, ठीक। हमारे बोर्ड के अंदर में अभी के डेट में सर्किट ऐसे ही बना के रखा है, ठीक है जी, ये सिंपल सा सर्किट ये बना के रखा है, और इसके बाद का जो सर्किट है मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सबसे पहले एक सर्किट समझाता हूं। देखिए मैं उस दिन आईडी लाइन वाले भी लाइन में आप लोगों को समझाया था कि वोल्टेज डिवाइडर का लाइन कैसे रहता है, मान जाए सपोज देखिए थर्मल का लाइन एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, इससे आपको समझ आ जाएगा। मैं देखिए इसमें क्या किया हूं, मैं एक 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लिया हूं, एक 80 किलो ओम्स का रजिस्टर लिया हूं, एक लिया हूं 100 का, एक लिया हूं 80 का, यानी कि 20 कम का लिया हूं। तो ये जो अभी बता रहा हूं ये आपको समझाने के तौर से मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखोगे यहां पर होता क्या है, रजिस्टर में, रजिस्टर कभी भी लो वैल्यू को, जितना लो वैल्यू का होते जाएगा उतना ज्यादा आगे पास कराता है। अगर कोई भी चीज इसके ऊपर से, अगर देखिए मान जाए सपोज एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि यहां पर मेरे को, अब देखो पानी वाला है तरीका ही सबको बढ़िया समझ आता है, इसलिए पानी के तरीके से समझाऊंगा तो भी ठीक है, ये तो वोल्टेज के तरीके से समझाऊंगा तो भी ठीक है, तो मैं अभी करेंट के तरीके से समझा रहा हूँ। यहां पर मान जाए सपोज मैं एक लाइन है, ये लाइन से मैं इसको करेंट दे रहा हूं, ठीक है, दोनों लाइन है, तो यहां पर क्या होगा, मैं इसको दिया करंट 1 एम्पियर, ठीक है जी, मैं इसको दिया 1 एम्पियर, यहां पर मैं दिया 1 एम्पियर और इसको भी दिया मैं 1 एम्पियर, दोनों को मैं 1 1 एम्पियर दिया, ठीक है, दोनों रजिस्टर को।
तो यहां पर और यहां पर में डिफरेंस क्या होगा? मान लीजिए सपोज एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, अगर यदि ये 100 किलो ओम्स का है और ये निकाल रहा है समथिंग 50, 0.50, ठीक है, 0.50 एम्पियर यदि ये बाहर निकाल रहा है, तो 80 के जहां पर लगा है लो वैल्यू का, यहां पर क्या करेगा, 0. ये समथिंग मेरे हिसाब से के इसके अनुमान के अनुसार से समझाने के तौर से मैं समझा रहा हूं ना, ज्यादा हाई मत लेना इसको, 70 एम्पियर। अब देखिए ये तो 100 किलो ओम्स का है, ये 80 किलो ओम्स का है, तो कम वाला ज्यादा पास करा रहा है और ज्यादा वाला कम पास करा रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा, तब आप थर्मिस्टर के लाइन को समझ पाओगे। कभी भी हम ऊपर ऊपर से अगर ये दोनों मान जाए 1 एम्पियर इसमें भी दिए, 1 एम्पियर इसमें भी दिए, और लेकिन रजिस्टर का जो वैल्यू है, एक का 100 किलो ओम्स है, एक का 80 किलो ओम्स का है, तो 80 किलो एम्स का जो लगा हुआ है ओम्स का, तो ये हमारा कम वैल्यू का है और ये 100 वैल्यू का है। अगर यहीं पर हम लोग आगे यहां पर फिर से एक ले लेते हैं, और यहां पर मैं एक लेता हूं रजिस्टर, और इस रजिस्टर से मैं दे देता हूं सेम टू सेम, कितना दूंगा 1 एम्पियर, इसको भी 1 एम्पियर दिया, लेकिन यहां पर जो रजिस्टर लगा है 0 ओम्स का लगा है, ठीक है, यहां पर 80 किलो ओम्स का लगा है, ये ओनली सिंपल 0 ओम्स का लगा है, 0 ओम्स में क्या होगा, यहां पर पूरा का पूरा 1 एम्पियर आगे पास करा देगा इसको, ठीक है। तो इसको मैं समझाने के तौर से आपको समझा रहा हूं कि यहां पर देखिए 1 एम्पियर मैंने इसको दिया, 100 के को 50 एम्पियर निकाला, ये 1 एम्पियर दिया इस वाले रजिस्टर को, यह है 80 किलो ओम्स का, तो ये 70 निकाला, इससे ज्यादा ये बाहर निकाला, यदि हम 0 का दे देते हैं तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट जितना एम्पियर हम ऊपर से दे रहे हैं उतना को ये बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो इसमें एक समझने वाली बात है कि जितना लो वैल्यू को लगाओगे उतना ज्यादा आगे पास कराता है करंट, ठीक है, वोल्टेज के कटिंग के अनुसार से दोगे तो उसका फार्मूला अलग रहता है। तो अगर हम मैं इसको आप समझाने के तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि आगे जो सिस्टम समझाऊंगा इसी तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जितना भी लो वैल्यू का है, लो वैल्यू का रहेगा वो ज्यादा पास कराएगा, हाई वैल्यू का रहेगा वो कम पास कराएगा। अब हमारे सर्किट के अंदर में थर्मिस्टर कैसे बना रहता है, ठीक है, उसको आप यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ज्यादातर केस अभी की डेट में जितने भी थर्मिस्टर हमको देखने के लिए मिलता है, दो रजिस्टर यहां पर ऐसे रहेंगे, ठीक, वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। वोल्टेज डिवाइडर अगर आप जानते हैं तो इसको सिंपल समझ सकते हैं कि अगर हम दो सेम सेम रजिस्टर वैल्यू, जो सेम सेम वैल्यू का दो रजिस्टर यदि यूज करते हैं, और एक को हम ग्राउंड दे देते हैं, ठीक है, एक को यदि हम ग्राउंड दे देते हैं तो वो ऊपर से दिए हुए जितने भी वोल्टेज है उसका हाफ कर देता है, ठीक है। उस दिन भी इसका मैं जिक्र किया हुआ था आईडी लाइन वाले में। तो यहां पर मैंने दो रजिस्टर यूज किया है, ठीक है, यहां पर आर किया, यहां पर आर किया। अब इसके बाद यहां से होता क्या है, थर्मिस्टर लाइन इससे ज्यादा हार्ड नहीं रहता, ये सिंपल ही ऐसे ही बना रहता है। यहां पर हम इसको सप्लाई देंगे, जैसे कि मान लिया यहां पर हमने इसको 1.8 वोल्ट दिया, ठीक है जी, या फॉर सपोज मान के चलिए यहां पर समझाने के तौर पर मैं लिख दे रहा हूं 2 वोल्ट दिया मैं इस लाइन को। अब 2 वोल्ट देने के बाद में एक रजिस्टर मैंने ग्राउंड किया है, एक रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है उसी के साथ में, ठीक है, और ये लगा हुआ है एक रजिस्टर हमारा ग्राउंड के साथ में, तो यहां पर जो वोल्टेज बनेंगे इसके हाफ बनेंगे, ठीक है। अगर ये यदि सेम सेम वैल्यू का लगा हुआ है, तो अगर ये कम ज्यादा वैल्यू का है तो उसमें आपको वोल्ट डिफरेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे ही मिलेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का लगा रहेगा। तो यदि अगर ये सेम सेम वैल्यू का है, यहां पर 2 वोल्ट हम देते हैं तो यहां पर कट करके यहां पर हमको 1 वोल्ट यहां पर मिल जाएंगे बीचों बीच में, ठीक है, दोनों रजिस्टर के बीच में यदि हम चेक करते हैं। तो बाकी जो सेट मैं बोल रहा हूं उसमें क्या होता है, ये थर्मिस्टर का जो वर्क है इसका ऐसे ही सर्किट रहता है, इसको हम ले लेते हैं एनटीसी के रूप में, ठीक है, इसको मैं दे देता हूं एनटीसी, ठीक है, नेगेटिव थर्मल। तो यहां पर ये वाले रजिस्टर को हम एनटीसी लिए हैं,
अब इसको नॉर्मल रजिस्टर लगा के रखे हैं समथिंग, इसका सपोज मान के चलो ये आपका 100K का है। अब यहां पर हम लोग यूज कर दे, यहां पर भी हम सपोज मान जाए सेम सेम टू सेम 100K का थर्मल यूज किए, ठीक है। ये तो ये रजिस्टर क्या होगा, ये हमारा है थर्मल, और थर्मल का जो स्पीड रहता है हल्के सी टेम्परेचर, अगर हल्का सा हीटिंग हुआ तो अपना मान तुरंत गिराता है स्पीड के साथ। मैं इसको प्रैक्टिकल में भी अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे गिराता है इसका मान। जैसे कि मैं आपको शुरू में समझाया, जितना लो वैल्यू को होते जाएगा उतना वोल्टेज हाई पास कराते जाएगा, वहां से वोल्टेज हो चाहे करंट हो वो वहां से ज्यादा पास कराएगा, ठीक है। तो एक जो लाइन रहता है बीच का लाइन, ये सेंस के लिए जाता है कि इसके बीच में जो हो रहा है उस चीज को यह सेंस करता है। तो ज्यादातर ये लाइन हमारे सीपीयू के अंदर में दिया जाता है, ठीक है जी। मैं इसको ये दे देता हूं, ये हमारा है सीपीयू, ठीक है। ये रहा हमारा सीपीयू। अब देखिए इसका कैलकुलेशन यहां पर रहेगा, इस सीपीयू को पता रहेगा किसको कितना वोल्टेज दिया गया। सीपीयू को यह पता रहेगा कि 2 वोल्ट इस लाइन को दिया जा रहा है, तो इस बीच में हमारा कितना बच रहा है इसका भी कैलकुलेशन सीपीयू को जाएगा, ठीक है। उसी के आधार से ये टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से वो उसको पता रहेगा कि ये हाई जा रहा है कि लो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका कैलकुलेशन इसके पास में है, 2 वोल्ट का कैलकुलेशन सीपीयू के पास में है, लेकिन उस 2 वोल्ट में से कितना खपत हो रहा है, इसमें कितना बह रहा है बाहर और कितना बच रहा है यहाँ बीच में, इस चीज का कैलकुलेशन सीपीयू को पता चलता है। तब ये हाई और लो का कंडीशन में ये मैसेज डालता है, कोई भी इरर आता है अगर उसके कैलकुलेशन को लगे कि ये गड़बड़ हो रहा है तो वहां पर ये टेम्परेचर टू हाई या तो टेम्परेचर टू लो, ठीक, ये मैसेज उस कंडीशन में देता है। अब ये देखिए हम फिर से नोट 4 के सर्किट में आते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं सिंपल सर्किट बना के रखा हूं, इसमें हमको एक ही रजिस्टर मिला है, ठीक है, दूसरा रजिस्टर नहीं मिला। और इसमें जो हम यहां पर जब वोल्टेज मेजर करेंगे तो एक एक करके हम इसको आगे बढ़ के क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको चलिए प्रैक्टिकल लेके चलता हूं, इसमें हुआ कैसे है और कैसे यूज किया गया है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आया नोट 4 के बोर्ड के ऊपर में, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग सर्चिंग में जब लिए थे तो ये टीपी था थर्मल का, और यहां पर लिखा भी हुआ है देखिए बेड थर्मल, ये ठीक है। तो ये हमारा थर्मल का लाइन है, या थर्मल का ये टीपी है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूएसबी लगा देता हूं इसको, और यूएसबी लगा के हम मेजर करते हैं इसको कि ये कितना वोल्टेज दे रहा है। हम अभी बैटरी यूज नहीं किए हैं, ठीक है, मैंने लगा दिया इसके अंदर में चार्जर, ठीक है। और मीटर को हम ले लेते हैं वोल्टेज रेंज में, ठीक है जी। अब वोल्टेज रेंज में लेने के बाद में मैं मीटर से अब पहले सबसे पहले मैं थर्मल लाइन की वोल्टेज टेस्टिंग कर लेता हूँ, आपके बता देता हूँ कि ये कितना आ रहा है। ये हमारा है थर्मल लाइन, थर्मल लाइन में अभी हमारा आ रहा है विदाउट बैटरी 2.6 के आसपास, ठीक है, 2.60 के आसपास में ये वोल्टेज पास यानी कि यहां पर दे रहा है, ठीक है। तो कहां से दे रहा है ये देखिए, ये देखिए यहां पर ये रिफरेंस का वोल्टेज है, ठीक है, यहां से ये रिफरेंस करेगा उसके अंदर का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहां इस लाइन को हम इस टीपी में जब चेक कर रहे हैं तो हमको यहां पर 2.8 देखने के लिए मिल रहा है। इस टीपी में भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, यहां पर हमको वोल्टेज कितना मिल रहा है, 2.8 नहीं 2.6 वोल्ट, ठीक है जी। तो हमको अभी यहां पर 2.6 वोल्ट मिल रहा है मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हम फिर से इसमें आते हैं, ये देखिए, तो हमको यहां पर 2.6 मिल रहा है अभी अभी की डेट में। ये देखिए हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 2.6 के आसपास, 7, 2.67 के अंदर में ये वोल्टेज यहाँ पर हमको मिल रहे हैं अभी।
तो मैं उस दिन जो सर्किट बना के रखा था बैटरी के लिए, ये देखिए यहाँ पर जो आपको आईडी समझा रहा था उस दिन यही चीज मैं निकाल के रखा था बैटरी से, ठीक है, बाहर ये बैटरी कनेक्टर का। तो हमारा जो इस सर्किट वे रेडमी नोट 4 के अंदर में, यहाँ पर हम ये वाला, हम इसके अंदर सबसे पहले ये इसको लगा देते हैं, ठीक है। अब लगा दिए, लगाने के बाद में अभी बैटरी नहीं देखी इसको, ओनली मैं जो कटिंग है बैटरी का जो बोर्ड है उसी को मैं निकाल के रखा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी समझ आए, ठीक है। अब मैं इसको वोल्टेज मेजर करने जा रहा हूं, यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर मैं बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद में ये वाले लाइन में मैं चेक कर रहा हूं वोल्टेज, तो यहां पर देखिए वोल्टेज कितने देखने के लिए मिल रहा है, समथिंग 1.20 पकड़ के चलो, ठीक है, 20 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है, समथिंग 10 है, 1.10 वोल्ट के आसपास, ठीक। तो इसमें पहले कितने आ रहा था, 2.6 के आसपास, 2.7 के आसपास, अभी डेट में कितना आ रहा है, 1.10 के आसपास में, तो ये लगभग आधा आधा के आसपास कर दिया, ये समथिंग राउंड फिगर 2.30 के आसपास में अगर माइनस करोगे, 2.60 के आसपास में माइनस करोगे तो 1.30 के आसपास समझ जाओ, तो 1.10-20 के आसपास, क्योंकि ये डिफरेंट दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट इसके अंदर में जो रजिस्टर है वो यूज हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर में देखिए हमको जहां बोर्ड में मिला, बोर्ड के अंदर में जो रजिस्टर यूज हुआ है, हम जब मैंने चेक किया इसको तो हमको बोर्ड के अंदर में मेरे को नहीं मिला, एनटीसी रजिस्टर बोर्ड के अंदर में नहीं दिया है नोट 4 के अंदर में, ठीक है। हमारा जो सर्किट है ये वाला सर्किट के अंदर में हमारा दिया हुआ है एनटीसी, ठीक है जी। तो मैंने जब टेस्ट किया, इसका सर्किट भी है मैं आपको बता दूंगा, तो ये वाला जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है हमारा, ये बीच का, ठीक है, ये बीच का जो रजिस्टर है ये हमारा है एनटीसी, ये थर्मल है, इसके अंदर में रजिस्टर, दो रजिस्टर भी यूज करता तो भी चलता, लेकिन इसमें क्या किया है, जो थर्मल रजिस्टर है वो इस बोर्ड के अंदर में यूज किया है उसको, ठीक है, उस बोर्ड के अंदर में नोट 4 एक्सा के मदर बोर्ड के अंदर में यूज ना करके ये बैटरी के जो बोर्ड है उसके अंदर में ये यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रजिस्टर कैसे टाइप के मान गिराता है अगर हीटिंग होता है, तो मैं उसको इसमें क्लियर करा रहा हूं, ठीक है जी। मैं एक जम्फर करके रखा हुआ हूं, इसी का एक रजिस्टर है मेरे पास में जिसको मैं जम्फर दे के रखा हुआ हूं, तो मैं उसको निकाल दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर मैं दो जम्फर लिया हूं और यहां पर बीच में ये देखिए एक रजिस्टर को, ये एनटीसी रजिस्टर है, ठीक है, एनटीसी रजिस्टर मतलब ये रजिस्टर को मैं इसके अंदर में दो जम्फर दे के रखा हुआ हूं। अब मैं मीटर को सबसे पहले मैं लूंगा रजिस्टर मोड में, पहले मैं मीटर को उस जगह में मैं कर लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा, अब मैं रजिस्टर मोड में इसको कर लेता हूं, ये देखिए अभी फिलहाल हम लोग वहां पर, यहां पर इसको चेक करते हैं तो लगभग ये कितने किलो ओम्स का है वो वहां पर दिखाना शुरू करेगा, समथिंग 80 किलो ओम्स दिखा रहा है, ठीक है, 80 किलो ओम्स के आसपास में, क्योंकि यहां पर रूम जो टेम्परेचर है उसको भी ये लो करेगा, ठीक है, क्योंकि एनटीसी है ये जीरो टेम्परेचर से बना रहता है जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर को भी ये कवर करके वो अपना वैल्यूएशन लो करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर में 10 के वहां पर लगा हुआ है, यहां पर दिखा रहा है ये
100 यानी कि 80 किलो ओम्स के अंदर में। अब यहां पर देखना, ये जो एनटीसी है ठीक है, यहां पर हल्का सा गर्मी, यहां पर फूंक भी मारोगे तो पर भी अपना हलचल दिखाना शुरू कर देता है ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि मैं अभी डेट में अकेले हूं, उसके अनुसार से मैं आपको, मेरे को भी थोड़ा सा वो जा रहा है, तकलीफ जा रहा है आपको सब चीज क्लियर ढंग से समझाने के लिए, क्योंकि अकेला हूं, जितना बन रहा है उतना मैं इसको अपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ हूं। हाँ ये देखिए अभी कितना दिखा रहा है, 80 किलो ओम्स। तो ये देखना मैं आयरन को उसके नजदीक लेके जा रहा हूँ, और मीटर का हलचल देखना आप, और ये आयरन उसके नजदीक में लेके चल रहा हूं मैं ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं आयरन उसके वनली नजदीक लेके गया, वहां पर देखिए कैसे हो रहा है वहां पर ठीक है। ये पूरा अगर बढ़िया से हीट होना शुरू होगा तो पूरा जीरो में आ जाता है वो। ये घटाते घटाते देखो कितना किलो ओम्स हो गया, 80 किलो ओम्स दिखा रहे हैं। अब हटा रहा हूं, हटाने के बाद में जब मैं आयरन आयरन को हटा दिया, गर्मी वहां पर कम लगने शुरू हुए, फिर अपने वेल्यूशन में आना शुरू कर दिया ये ठीक है। तो ये बोर्ड के अंदर में ऐसे ही वर्क करता है, बोर्ड जैसे नॉर्मली जितना टेम्परेचर जितना हीटिंग है अभी, वो उसके अनुसार से वहां पर वो अपना वेल्यूशन लो करेगा, जितना लो करेगा उतना वहां से वोल्टेज ड्रॉप होगा ठीक है। जितना लो करेगा उतना ही ड्रॉप हो रहा है, उसके अनुसार से वो सेंस करता है। अभी देखिए नॉर्मल आ गया, अब इसको क्या है, मैं आपको हल्का सा खसका के बता दे रहा हूं कि इसको मैं ये पकड़ा हुआ था, ये है रजिस्टर, इस दोनों पॉइंट में मैं रखा हुआ था अभी आपके पास में। तो इसमें देखिए मैंने जब आयरन लगाया ठीक है जी, मैंने जब आयरन लगाया तो ये अपना वैल्यू घटा रहा है, लो करा रहा है ठीक है ना। तो जितना मैं आपको शुरू में बताया हूं कि जितना लो करेगा उतना हाई प्रेस यानी कि हाई पास करता है वहां से। ये देखिए मैंने यहां पर आप लोगों को बताया भी हूं कि यहां पर जितना भी लो कंडीशन का आते जाएगा, जैसे कि सपोज इसके अंदर में कितना यूज किया गया है, 1 मेग किया गया है, यहाँ पर जो रजिस्टर है इस रजिस्टर में 10K का यूज किया है, और एक किया है समथिंग 80K दिखा रहा है, मेरे हिसाब से कि वो 100 किलो ओम्स का एक थर्मल होना चाहिए। तो वहां पर कैसे यूज किया है, यहां पर देखिए, यहां पर एक लिया मैं रजिस्टर, ये बैटरी के बाहर साइड है ना, यानी कि बैटरी के जो बोर्ड है ना उसके अंदर में लगे हैं, वहां पर दे रहा हूँ, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के अंदर से यहाँ पर ये बैटरी का लाइन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये वाला सर्किट है आपका, ये सर्किट मैं इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया है जो है एनटीसी हमारा ठीक है, और यहां से इसको सेंस मतलब वोल्टेज को ये इसके कैपेसिटी के अनुसार से वो गिरा रहा है। ये लगा है 100K का एनटीसी, यहां पर लिख देता हूं आर, और ये रहा हमारा एनटीसी, ये रजिस्टर है हमारा एनटीसी। अब यहां पर हो क्या रहा है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा है एनटीसी ठीक है जी। अब देखो ये रजिस्टर यहां पर इसको 2.6 वोल्ट दिया, तो जब हम चेक कर रहे हैं तो यहां पर जब बैटरी लगाने के बाद में यहां पर कितना हो रहा है, लगभग यहां पर जो हमारा वोल्टेज जो बच रहा है इस रजिस्टर के बीच में जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है, कितना बच रहा है, 1.10 के यानी 10 वोल्ट ठीक है जी, 1.10 वोल्ट। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए यहां पर इसने कितना दिया, 2.8 वोल्ट ठीक है। समझना, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां से इसने पीएमआई के अंदर से दिया इसको 2.8 वोल्ट, फिर से थोड़ा सा गलती कर दिया, 2.8 की जगह में 2.6 है, मैं आपको समझाने के तौर में थोड़ा सा 20 वोल्ट ज्यादा लिख दिया ठीक है, क्योंकि 2.8 बहुत ज्यादा बार आता है जवान में कभी भी कोई भी सेक्शन के ऊपर में, तो 2.8 लिख लिया, उसको आप मेजर कर लेना। यहां से ये निकाला 2.8 वोल्ट, इसको दिया, इसको इस आईसी को पता है कि ये कितना दे रहा है, 2.8 इसको दे रहा है। देने के बाद में यहां पर एक सीरीज में एक रजिस्टर लगा है, उसके बाद यहां पर कनेक्टर में आके ये खत्म हो गया। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं
ये लाइन आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में एक ऐसा सर्किट बनता है ऐसा, ठीक है। ऐसे सर्किट बनने के बाद में यहां पर ये जो ग्राउंड दिया हुआ है, ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर हीटिंग के दौरान ये अपना वैल्यू गिराएगा। ठंड मान लिया यहां पर आपका रूम अगर ठंडा है, ठीक है, तो अनुमानित ये अपना वैल्यू 100 के आसपास में लाने का कोशिश करेगा। तो हम अभी जब सबसे शुरू में हम जब चेक किए, तो उस कैलकुलेशन के अनुसार से यहां पर रूम टेम्परेचर के अनुसार से उसका जो वैल्यू गिरा रहा है 20 किलो ओम्स, इसमें गिरा दे रहा है वैल्यू। ऑटोमेटिक यहां पर हमारा जो नॉर्मली आ रहा है, तो 110 को ये पता है कि इसका नॉर्मल हमारे इस नोट 4 के अनुसार से यहां पर इस आईसी को के अंदर में देखिए, ये I2C लाइन से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि ये सीपीयू में नहीं दिया है, डायरेक्ट पीएमआई से सेंस कर रहा है हर एक चीज को। यहां से सिग्नल वो मिल रहा है सीपीयू को I2C के थ्रू से। तो यहां पर इसको देखिए, कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं आपको, 1.1 यानी कि 1.10 वोल्ट, इसको अभी नॉर्मल है ये, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन का है, इसमें ये एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन के अनुसार से क्या रहेगा, 1.20 वोल्ट, इसको भी ये मानेगा नॉर्मल, और यहां पर आएगा 1.0 वोल्ट, ठीक, इसको भी मानेगा नॉर्मल। ये क्या है, ठंड के मौसम में ये वैल्यू हाई होगा, ठीक है, ठंड के मौसम में अगर वैल्यू हाई होता है उस कंडीशन में यहां पर इस रजिस्टर का वैल्यू हाई रहेगा, लो नहीं रहेगा। जितना ज्यादा गर्मी आते जाएगा उसके अनुसार से ये हमारा रजिस्टर है जो बोर्ड हीटिंग होगा उसके अनुसार से इसका टेम्परेचर यानी कि वैल्यू लो होगा। तो हमको एक चीज ये सिखाता है कि हमने यहां पर 2.8 का वोल्टेज दिया, देने के बाद में ये जो लाइन है आपका, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ था वी बैट थर्मल, ठीक, इस लाइन का नाम लिखा हुआ है वी बैट थर्मल। तो यहां से 2.8 देने के बाद में यहां पर जो बचा है 1.10 बचा हुआ है, तो इसको यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 1.10 है। तो ये आईसी के अंदर में जो कैलकुलेशन है उसका, उसके अनुसार से ये समझ रहा है कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, ना हाई नहीं है ना लो नहीं है, ठीक है। अगर हमारा बोर्ड ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू कर दिया, अब गर्म होगा तो क्या करेगा, अपना वैल्यू ये घटाएगा, कम कराएगा वैल्यू, ऑटोमेटिक ये कम होना शुरू हो जाएगा रजिस्टर का। तो यहां से और जो वोल्टेज करंट है यहां से और पास कराना, ज्यादा पास कराना शुरू कर देगा। तो जब ज्यादा हीट होगा तो यहां पर वोल्टेज ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ये तो नॉर्मल है इतना। यदि यहां पर समथिंग वो 0.60, 50, 70 के आसपास में यदि ये दिखाना शुरू कर दिया, तो इस आईसी के अंदर में ये कैलकुलेशन के अनुसार से ये इसके अंदर में ये कैलकुलेशन इसके अंदर में नहीं है, इसके अंदर में ये, तो इस कंडीशन में ये क्या बोलेगा कि वोल्टेज तो बहुत ज्यादा पास हो रहा है यहां से, क्योंकि हमारा रजिस्टर का वैल्यू इतना नहीं कम होना चाहिए जितना ये कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या यहां पर एरर देगा, टेम्परेचर टू हाई, क्योंकि बोर्ड हीट हो रहा है, लो ये वैल्यूएशन हमारा गिरा रहा है और ज्यादा वोल्टेज पास करा रहा है, उस कंडीशन में इसको पता चलेगा कि ये ज्यादा वोल्टेज पास करा रहा है, मतलब ये ज्यादा हीट हो रहा है, उस कंडीशन में ये टेम्परेचर टू हाई का मैसेज छोड़ेगा। और यदि रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, उस कंडीशन में ये समथिंग 100 के आसपास पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में 1.10 की जगह में मान जाए यहां पर सपोज उनको मिलना शुरू हो गया 1.80, 1.90, समझ रहे हो, 1.80, 1.90 समथिंग 2 वोल्ट के करीब में ये वोल्टेज दिखाना शुरू कर दिया, उस कंडीशन में ये सोचेगा कि हमारा कैलकुलेशन तो 1.10 का है, तो 1.10 से इतना आगे कैसे निकल के जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर एरर देगा टेम्परेचर टू लो का, ठीक है। ज्यादा अगर इस रजिस्टर का
रजिस्टर का वैल्यू यदि लो होता है तो हाई आएगा, और वैल्यू इसका हाई होता है तो लो आएगा, जस्ट उल्टा। अगर वैल्यू इसका लो आता है तो हाई मैसेज छोड़ेगा, और इसका वैल्यू हाई होता है तो लो मैसेज छोड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका लगभग लगभग अभी के सभी बोर्ड में यही तरीके से थर्मल लाइन जो लगे हुए हैं। अभी की डेट में आप लोग सैमसंग का क्या होता है, थर्मिस्टर को उखाड़ देते हो, उखाड़ने के बाद में 2 दिन चलेगा, उसके बाद में लो कंडीशन का प्रॉब्लम आता है। किस लिए लो कंडीशन का प्रॉब्लम आता है, वहां पर जितना वोल्टेज दिया गया है उतना वोल्टेज तो पूरा पूरा वहां पर बचा हुआ है, तो उसमें से कुछ खपत हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में वो तो लो का टेम्परेचर पास कराएगा ही कराएगा। तो कोई भी आदमी क्या करता है, उसको उखाड़ करके फेंक दो चल जाएगा। तो बेचारा दोबारा अगर कस्टमर आने के लायक बहुत दूर का है उस कंडीशन में, तो आपके पास में रिटर्न आएगा नहीं। तो आप बोल रहे हो कि मेरे पास रिटर्न आया ही नहीं आज तक कस्टमर, तो वो गलत है। तो कोई भी सामान अगर तोड़ करके बनाने वाला कंडीशन बोलोगे तो उसको तो मैं सही नहीं मानता। ठीक है जी, तो कोई भी पार्ट्स लगा हुआ है बोर्ड के अंदर में तो ये कुछ काम के लिए लगा हुआ है, तो कृपा करके इसको तोड़ ताड़ के फेंक करके ये काम बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो सर्किट बना हुआ है वो सोच समझ के बनाया गया है इस सर्किट को। तो इसमें क्या है, मैं अपने तरीके से समझाने के तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया हूं, आपको बेशक समझ आया होगा मेरे अनुसार से, क्योंकि जो ये सिंपल सर्किट जो थर्मिस्टर का थर्मल का लाइन होता है, ये सेम यही सर्किट आपके जैसे कि सैमसंग हो गया, सैमसंग में सबसे ज्यादा नॉर्मल जितने भी हैंडसेट हैं उसमें हमको देखने के लिए मिलता है, एक तो सीपीयू सेक्शन में, एक नेटवर्क सेक्शन में, एक चार्जिंग सेक्शन में, ये तीनों सेक्शन में ही देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बाकी जो बोर्ड है अभी के हमारे वीवो ओप्पो ठीक है MI हो गया, इसमें हमको सबसे ज्यादा हमको चार्जिंग सेक्शन में ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जो बैटरी कनेक्टर से होते हुए उसको बना के रखा गया है कि कहीं अगर हमारा बोर्ड चार्जिंग के दौरान ज्यादा हीट हो गया, उस कंडीशन में ज्यादा हीट मत हो, सेट को बेशक बंद करा दे। ठीक है, क्योंकि देखे हो कि अगर हाई आता है तो ऊपर भी सेट को बंद करा देता है, लो आता है तो अलग अलग टाइप के सिंबल दिखाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये सर्किट को आप सिंपल तरीके से ऐसे अगर समझ जाओगे तो हर एक सर्किट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसको भी समझ आ जाएगा। तो कई सारे लाइन में ऐसे भी बना के रखा है, देखा हूं कि एक आईडी ही लाइन से, ठीक है, एक आईडी ही लाइन से पूरा कंप्लीट हमारा एक थर्मल भी बना के रखा है। ठीक है, बैटरी ऑन लिखा रहता है, देखना बोटोन पढ़ते हैं कई लोग, बैटरी ऑन का जो एक लाइन बना है अभी वीवो सेट में वो नाम उसमें लिखा रहता है डायग्राम के अनुसार से, तो उस लाइन में कभी भी देखना, उस लाइन में क्या होता है ज्यादातर वनली एक आईडी के लाइन से दोनों काम कराया जाता है। तो एक जगह सर्किट रहता है, एक सर्किट से दोनों का वर्क एक ही लाइन में, ऐसे थर्मिस्टर का लाइन बना देता है, और बनाने के बाद में एक लाइन सीधा ले जाता है वो PMI के अंदर में, PMI से I2C लाइन से CPU में सिग्नल जाता है कि इसके टेम्परेचर का हाल चाल क्या है, वहां से हाई और लो का CPU से मैसेज छोड़ता है डिस्प्ले के अंदर में। ठीक है, तो ये सिंपल सर्किट है, मैं इसको इसलिए नहीं बना रहा था कि क्योंकि बहुत सारा वीडियो डला हुआ है, लेकिन सब लोग आप लोग इसको कई बार फोर्स कर रहे थे कि बनाओ बनाओ बोल के, तो मैं इसको बनाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन शॉर्टकट बनाने की कोशिश किया हूँ कम टाइम में, लेकिन लगभग लगभग आपको समझ आने के लायक बना के बोला हूँ कि ये समझ आ जाए, इसके अनुसार से मैं सिंपल बनाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है सर, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी लाइक सब्सक्राइब की वजह से मैं रात को भी जाग करके आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा क्लास स्टॉप होने के बाद में रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी डेट में, अब हर वीक में एक एक वीडियो डलेगा। मैं शुरू में भी बोला था आप लोगों को कि कैसे भी करके एक एक करके बीच बीच में आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नमस्कार।